कितनी भी सुंदर हो अगर बोलने की तमीज नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। और पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, और सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्री है कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों में तो ये है रसना, जिभ्या। जब जीभ में दादा एक वो हड्डी ना होती है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्री है रसना। यहां वो भी औरत की जबान, यहां भागवत का प्रमाण है कि विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी लियो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते या सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये दुर्योधन के बाद चुप गई, वापस आया और मामा शकुनी से बोला, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है, क्या किया जाए? बोले जुए का खेल हो जाए। बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराबा, खेती तक चली जाएगी। महाराज यहां विद्वान लिखते कि चोरी जैसा धंधा नहीं, और अगर मार ना हो तो, चोरी जैसा धंधा नहीं अगर मार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो, अगर आदमी को शुगर ना हो और खीर खूब मीठी बनी हो, अच्छी बनी हो तो बहुत बढ़िया लगती है। मैया जैसा प्रेम नहीं कर रार ना हो तो, दादा भैया जैसा प्रेम नहीं ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता अगर लड़ाई न हो, और पत्नी जैसा प्रेम नहीं बदकार ना हो तो, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी होए चाहे काली यहां जुए का खेल हुआ। पांडवा बैठा लिए गए और जवाब दिया, आइए आज सब मिलके जुआ खेलते हैं। धर्मराज बोले, मैं जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलना ठीक नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है। लेकिन शकुनी तो शकुनी बोले, अपने परिवार की बात है, कौन कहां जा रहा, आइए बैठिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिठा लिया महाराज। पांचों पांडवा जुआ खेलने लगे, ऐसी बुद्धि बिगड़ी, सब कुछ रखने लगे। अंत में जब सब कुछ हारने भी लगे, मैया द्रौपदी का नंबर आया तो शकुनी बोला, द्रौपदी को रख दो। है धर्मराज बोले, सोना चांदी से हीरे मोतियों से पैसे से जमीन से आप जुआ खेल भी लें, लेकिन औरत को रख के कौन जुआ खेलता है भाई? जवाब दिया, कह रहे कोई नहीं, अपने घर की पुत्र वधू है, कहीं नहीं जाएगी, आप खेलिए। महाराज मैया द्रौपदी को जब जुए में रखा, ऐसी प्रभु की कृपा, पांडवा मैया द्रौपदी को हाथ से गमा बैठी। जब हाथ से गमा बैठे, इशारा दिया दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन, आज भाभी को
भरे दरबार में लेके आ, उसकी साड़ी उतार करके नगन अवस्था में जंघा पर बिठाया जाएगा। दुशासन महाराज जब मैया द्रौपदी को लेने के लिए पहुंचा, बंधुओं याद रखना, केसों को खोल के मैया द्रौपदी स्नान ध्यान करके खड़ी थी। ले चलिए भाभी कहां चलना है? दरबार में। तो बड़ी प्यारी बात कहती है द्रौपदी के, हे दुशासन, जहां पिता गांधार मैया गांधारी, द्रोणाचार्य पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, करण जैसे वीर बैठे हों, वहां हम जैसी औरतों को जाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसी कौन सी बात उलझ गई जो औरत को जाने की जरूरत पड़ गई दरबार में? नहीं जाऊंगी। और निवेदन करती हूं, जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना, पहली है मां और दूसरी है पत्नी। मां वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया बसाने आई है। और मां बाप को तो छोड़ ही दो, मां बाप तो ऐसे हैं, भगवान भी कहते कि मैं भी इनकी कमी पूरी नहीं कर सकता। आपने कभी देखा होगा जब मां अपने बच्चे को उठाएगी गोदी में लेगी तो कहां बिठाती है? कमर पे, कमर पे बिठाती है ना। और मां का इशारा होता है, मैया मां का इशारा होता है कि मैं, तू कमर पे बैठा है, जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाएगा तो कहां बिठाएगा? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। मां बाप ऐसे ही जो औलाद को खुद से ज्यादा बड़ा देख सकते हैं। दुनिया का काम है लोगों पे उंगली उठाना, मां बाप का काम है अपने बच्चों के नखरे उठाना। और बाप की जितनी बात की जाए उतनी कम है। या हमारी जो नई जनरेशन बैठी है, नए भैया दादा, उनसे निवेदन करती हूं कि जब हम छोटे थे ना तो मां बाप अगर बैठे हों तो अगर बाप से बोल दें कि नीम की जगह ये आम है तो बाप वही बोलते थे कि बच्चा आम है। एक बार नहीं, 50 बार अगर बच्चा बोल दे कि आम है तो बाप वही बोलता था कि आम है। और आज अगर बाप बूढ़ा हो जाए और बच्चा जवान हो और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आप ही जानो कैसे काम होगा, आप बताएंगे उसी हिसाब से चलेंगे, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। और जवान पिता हो और बच्चा भी बराबर का हो जाए और बच्चा ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते चुपचाप बैठे रहो, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। निश्चित याद रखना, औलाद ही अपने बच्चों को, वो औलाद ही अपने माँ बाप को बूढ़ा और जवान रखती है। अच्छे सत्कर्म करेंगे तो माँ बाप भी साथ देंगे, क्योंकि आपके हाथ में ही है वो क्या आप क्या कर रहे हैं। और आप कितनी सुंदरी, ये मायने नहीं रखता आप बोलते कैसा है, आप में तमीज कितनी है, आपके संस्कार कैसे हैं। और दादा बच्चा अगर कार मांगे कार और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती तो पायल 1000 रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। और आप कुछ अच्छा काम कर लें तो 10 कोस पहुंच पाएगी बात, और बुरा कर देना 100 कोस पहुंचने में देर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि दूध बेचने वाला अच्छा काम करता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया, घर घर जाता है। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा पिए। आपके मुंह पे जो मीठा बोले ना, अरे भैया आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके बराबर तो पूरे गांव में कोई इंसान नहीं है, और जो मीठी मीठी बातें करे तो ये मत समझना कि वो तुम्हारा मित्र है,
क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। जब तक आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे कुछ भी नहीं हो सकता। यहां द्रौपदी को खींच के दुशासन सभा में लेके पहुंचा। अरे या खड़ी है, सभा में जब खींच के पहुंचा तो पांचों पांडव बैठे हुए। मैया द्रौपदी की निगाह पहुंची, बोले यहां तो बड़े बड़े वीर बैठे हैं, क्या हुआ? अरे पांचों के पांचों पति महाराज, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी लगती है और मैं यहां पांच पांच पतियों की पत्नी हूं, कोई नहीं बोल रहा। अब बोले कौन दास बने बैठे। दुर्योधन कहने लगा एक काम कर दुशासन, इसकी साड़ी उतार और नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। पैरों तले जमीन खिसक गई। मैया द्रौपदी भूखी हिरनी की तरह चारों तरफ देख रही, महाराज आज हुआ क्या है? अरे मैं किसी की मां हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की बेटी हूं। आज इस कलयुग में दादा चार बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन चार बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के माँ बाप का खींचते थे और कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और लेकिन जब बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब नहीं पाली जा रही। अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपने एक चीज कभी नोट की होगी कि जब तक बच्चे की शादी नहीं होती तब तक बच्चा कभी बोलता है कि हमें अलग होना है। जैसे बच्चा कुआरा हो, शादी ना हुई हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहू खराब होती है, वो तो खुद ही समझो, संस्कार वाली बहू आएगी तो फिर ठीक ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक कुआरा होगा बच्चा तब तक कुछ भी नहीं बोलेगा, उन्हें ये कहेगा हमें अलग कर दो। और जैसे ही शादी हुई दो तीन साल बाद अगर ठीक दिमाग से ना चल रहे तो बोलेंगे बस हमें अलग कर दो, अब अपन आ रहो जा रो। एक बच्चा बूढ़ी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है। मैया को 25 साल हो गए वृद्धा आश्रम के एक ही कमरे में। और जब माँ मरने वाली होती है तो अपने बच्चे को बुलाती और कहती है लाला कुछ बात करनी है। बच्चा बोलता मैया अब तू मरने वाली है, अब क्या बात करनी है? तो माँ बोलती लाला जिस कमरे में मैं 25 साल से हूं उस कमरे में गर्मी बहुत है। तो बोले क्या करे? बोले अब तू एक काम करे, इस कमरे में पंखा लगवा दे। बच्चा बोलता अब तू एक दो दिन की मेहमान है, पंखे की क्या जरूरत है, तू मर जाएगी। तो मैया बालक के सर पे हाथ फेर के बोलती लाला मैं तो मर जाऊंगी लेकिन ये तू लिखवा ले कि जब मेरे मरने के बाद तेरे बच्चे तुझे यहां छोड़ने आएंगे तो मेरे बेटे को यहां गर्मी न लगे। ये तो निश्चित है कि तुम जैसा अपने मां बाप के साथ करोगे आने वाली संतानें वैसा तुम्हारे साथ करेंगे। तो ये होते हैं मां बाप। मैया द्रौपदी ने एक बात कही है कि कोई नहीं बोल रहा। अच्छा एक बात और है दादा, द्रौपदी के पांच पति थे, कितने? पांच। कारण क्या था? जो पांच थे तो विद्वान लिखते हैं कि जब ये द्रौपदी कुंवारी थी तो उसने भोले बाबा की पूजा की। भोले बाबा बड़े सरल स्वभाव के हैं। बाबा प्रसन्न हुए, बोले लाड़ो क्या चाहिए? तो जवाब दियो कि बाबा अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो ऐसा पति दे दो हमें जो धर्म को मानने वाला हो, पहली बात। दूसरा बलवान हो, तीसरा कीर्तिमान हो, चौथा बुद्धिमान हो और पांचवा सुंदर हो। पांच गुण हो उसमें। अब एक आदमी में इतने पांच गुण तो नहीं मिल सकते,
सब गुण। वो एक आदमी बहुत मुश्किल की बात है। बाबा बोले अब कहाँ ढूंढेंगे तुम्हारे लिए मिटिया, तो एक काम करो मैं 5 पतियों का तुम्हें वरदान देता हूं, आपको 5 पति मिलेंगे। पहले हैं धर्म को मानने वाले धर्मराज, दूसरे हैं बलवान भीम, तीसरे हैं कीर्तिमान अर्जुन, बुद्धिमान नकुल, सहदेव सबसे सुंदर थे। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां मैया द्रौपदी ने जवाब दिया कि कोई नहीं बोल रहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। ढूंढ डाला कुल जहां का कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। हम परिवार को भी पाना चाहते और भगवान को भी, तो नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रेम गली अति सा करी जामे दोए न समाए, एक ही आ सकता है। यहां समझ गई कि अब कोई नहीं बोलेगा, आवाज लगाई है द्रौपदी ने, भैया एक बात सुनो।